सुबह सुबह के नाश्ते के लिए या फिर शाम की छोटी मोटी भूख के लिए अगर आप कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो बनाने में आसान, खाने में टेस्टी और साथ ही बहुत हेल्दी हो, तो ये रेसिपी आपके लिए है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें करना क्या है, तो ले लेंगे हम 1 कप बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा, साथ ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, थोड़े से हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप चाहें तो गर्म मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब लिक्विड फॉर्म में इसे बस बनाना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया है, साथ ही बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। धनिया पत्ती आप इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और ये देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। इतना ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक पैन गरम कर लेंगे। पैन पर हम डालेंगे घी, घी को अच्छे से फैला देंगे। पैन अच्छे से यहाँ पर गर्म होना चाहिए। पैन गरम हमारा हो गया था तो मैंने इस पर लिक्विड को अच्छे से फैला दिया है। कुछ देर पकाने के बाद मैंने दूसरे साइड भी इसे पका लिया है और यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म धनिया की चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही डिलीशियस और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।